वालेकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि इंचेस के जो टूल्स हैं और जो स्पैनर हैं और जो एमएम के स्पैनर हैं उनको आपने उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, जो इंचेस के हैं वो कितने एमएम के होते हैं। तो हमारे जो भी जॉब होता है इसमें दो किस्म के टूल्स यूज़ हो रहे हैं, इंचेस में और एमएम में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखें, जैसे ये इंचेस का स्पैनर पड़ा है 1116, ठीक है, 1116, ठीक है, 3-4 का, ठीक है, ये 1 इंच का है, ये 24 mm है, ये 22 mm है, ठीक है, ये 1-2 का है, ये 15-16 का है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं एक कुलिया आपको बता देता हूँ। तो आप किसी भी इंचेस के स्पैनर को आप एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो आप सबसे पहले देख लें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/8, ठीक है, 1/8। तो ये एक मेथड है, इसको आपने याद करना है थोड़ा सा। ये एक सूत है, हम तो पंजाबी में सूत्र भी बोल रहे थे, ठीक है, ये एक सूत है, एक सूत जो बराबर एमएम के है, ठीक है, वो है 3.175, ठीक है, ये पूरी रीडिंग है इसकी, लेकिन पॉइंट के बाद एक दो इनसे ही कारामद होते हैं, ये तीसरा तो कारामद नहीं होता। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये देखने पर ये चीज़ है, ये एक जो सूत्र है वो एमएम के बराबर है, 3.175 एमएम के बराबर है एक सूत्र। तो ये आपने मद्देनजर रखना है। तो आपने आधा सूत्र कैसे लिखना है, ठीक है, तो मैं आपको आधा सूत्र लिख के देता हूं यहां पे, ये आपका आधा सूत्र आ गया, ठीक है, ये आधा सूत्र आ गया। इसकी आपने वो ही जो यहां पे 3.175 है इसको तकसीम कर लें दो पे, जो भी आपकी रकम आएगी, मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल सिंपल है। और मेरा इसमें अगर कोई गलती नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सही एक्यूरेट फार्मूला है। वेर इज़ ए कैलकुलेटर, अबे उसको क्या दिखा रहा है, कैलकुलेटर कितने का, इतना दास्ते बात। 3.175 तकसीम 2, ठीक है, तो ये हाफ वो है, हाफ सूत्र है, ठीक है, तो इतने में बनेगा 1.58, ठीक है, 587, तो ये में बनेगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है, ऐसे ही अगर हमने दो सूत्र लिखने हैं तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये देखें, अगर दो सूत्र मैंने लिखने ना, ये भी दो सूत्र हो गए, ठीक है, और ये भी दो सूत्र हो गए, ठीक है। अब सूत को हमने ऐसे पढ़ना है, तो जैसे कि ये मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये 1516 है, ठीक है, मोबाइल ऐसे रखना है, ऐसे वीडियो ना ख़राब करें, ये 1516 है, ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, ये देखें, ये देखें, अगर ये 1508 हो तो ये 15 सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये हाफ है, ये मैं आपको बता दूं, आपने पहले इसको तकसीम कर लेना दो पे, ठीक है, मतलब ये 15 का हाफ आएगा, जो भी आएगा ना 7.5, हाँ, ठीक है, ये 15 तकसीम 2 7.5 आ गया, ठीक है, ये आप आ गया आपका हाफ, ठीक है। अब इसको आप ज़र्ब दे लें 3.175 से, जो इसकी एमएम की एक सूत्र की रीडिंग है, ठीक है, 3.175, ठीक है, तो ये आपका बन गया 23.8, ठीक है। ये जो आपका स्पैनर है ये 24 mm से कम है और 23.5 mm से ज़्यादा है, इनू सीधा ही रख लेना, ठीक है। तो ये 15-16 का स्पैनर है ये, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, ये इतना बनेगा, ठीक है, ये 23 कितना बना था, 8, एक तो तेरे मोबाइल में लाख भी बहुत लगता है, ये देखें, ये बन गया एमएम में 23.8, ठीक है, ये एमएम में स्पैनर बन गया, ठीक है। तो
तो आपको मैं खुलिया समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये देखें, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये 1116 का, मैं सीधा रख लेना है फोन अप मोबाइल से लगा, 1116 का स्पैनर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखें, वन तो आपका एक इंच हो गया, ठीक है, इसको साइड में कर दें, ठीक है। और जो 1/16, ठीक है, 1/16 है, ठीक है, तो आपका ये तो एक इंच हो गया, ठीक है। तो इसकी आपने जो वो रीडिंग निकाल लें, ये आपका हाफ सूत्र है, ठीक है। तो हाफ सूत्र आपने, ये जो हमारा, ये हमारा हाफ सूत्र है, ठीक है, इसकी आपने ये जो रीडिंग है, ये एक इंच में आपने ऐड कर देनी है। मतलब जो हमारा एक इंच में कितने एमएम होते हैं, 24.4 या 25.4, ठीक है, 25.4 होते हैं, ठीक है, 25.4 जमा ये हमारा 1.58, ठीक है। तो ये जो हमारा स्पैनर है, ये बन गया तकरीबन 27 का, मतलब ये बन गया 26.98, मतलब ये 27 mm का बन गया। तो यहाँ पे 27 mm का नहीं पड़े। तो गाइज, आपने ऐसे ही आपने ये इसका फार्मूला निकालना है कि आपने, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा एक सूत्र है, ठीक है, ये हमारा आधा सूत्र है, ठीक है। ऐसे आप सूत्र को डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर 1/32 आ गया तो ये सूत्र का तीसरा हिस्सा है, ये 1/64 भी आ गया तो ये हमारा सूत्र का चौथा हिस्सा। एक सूत्र को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे इस रीडिंग से ये कम होती जाएगी तो ये आपके सूत्र डबल होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारा 2 सूत्र हो गया, ठीक है, ये हमारा 4 सूत्र हो गया। ये हमारा 4 सूत्र कैसे, 1 2 4 सूत्र कैसे, 4 3, मतलब मैं आपको बता देता हूँ ये 4 सूत्र 1 2 कैसे बनता है। ये देखें, हमारा एक सूत्र है 3.175 ज़र्ब 4, ठीक है, ये बन गया 12.7, ठीक है। ये जो हमारा 1/2 मैं कह रहा हूँ 4 सूत्र, जो हमारा अगर एमएम में आप डिवाइड करेंगे, ये बन गया 13 कुछ बनेगा, ठीक है, 12.7, ठीक है। तो ये आपका, ये जो आपका हाफ का है, ठीक है, आधे इंच का स्पैनर है, ठीक है, हम जो हाफ का बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा हाफ बन गया 12.7, ठीक है। ये फार्मूला, इसमें ना कोई ऊपर नीचे कुछ चीज़ नहीं, आपको ये याद होना चाहिए कि 1/8 एक सूत है और एक सूत की जो कीमत है वो 3.175 है। मोबाइल नू इंज किदा कर रखे, तू इंज करना, इंज इत्थे इंज कर, क्योंकि वीडियो इंज ही चलनी है, तू इंज करके पुठा पुठा पुठे कर होके वेखणगे चलन दे, इन्ना कदा चलता है, ठीक। तो ऐसे ये देख लें, ये 1 इंच का स्पैनर है, ठीक है, तो 1 इंच में आपका 25.4 का स्पैनर है ये, ठीक है, ये 24 mm का स्पैनर है, ठीक है, इस पर तो ये 19 का स्पैनर है, ये भी हमने निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये हाफ का भी निकाल दिया, ठीक है। आपने याद सिर्फ ये कुलिया करना है, ठीक है। अगर आपने एक सूत्र लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1/8 और एक सूत्र की कीमत है 3.175 mm, ठीक ठीक, एक सूत्र में इतने mm होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जब एक सूत्र में mm का पता है तो आप ये स्पैनर निकाल लेंगे, इसकी आप इनको आप mm में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये कैसे इसमें कन्वर्ट हुआ यार, ये ऐसे कन्वर्ट हुआ ना, ये मतलब एक सूत्र है ना, तो एक सूत्र आपका 3.175 mm में, ये 3.175 कैसे निकाला 1/8 ऐसे निकाला, जैसे एक ऐसे ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे निकाला जैसे एक इंच में, ठीक है, 25.4 mm में, एक मीटर में 1000 mm है, ठीक है। इसका भी कोई फॉर्मूला होगा ना, तो 1/8 आपने 137 निकालना है, बस बता रहा है कि ये वैल्यू है यार,
एक इंच में कितने सूत्र हैं? नहीं, आपको पूरी मीटर टेप आनी चाहिए। आपको जब मीटर टेप आएगी, एक मीटर में कितने एमएम है, कितने एक मीटर में इंच है, ठीक है, एक इंच में कितने सूत्र है, और एक इंच में कितने एमएम है, एक मीटर में कितने, एक इंच में कितने सूत्र है, एक सूत्र में कितने एमएम है, ठीक है। मीटर टेप अगर आप देखा होगा, जो हमारी इंडस्ट्री एरिया वहाँ पे एमएम में रीड की जाती है, जो भी हम डिमेंशन लेते हैं एमएम में लेते हैं, और जो वर्कशॉपों में जो लकड़ी का काम करते हैं वो इंचों में डिमेंशन लेते हैं, ठीक है। तो वो ऊपर मीटर टेप के ऊपर के वाले हिस्से में सूत्र लिखे होते हैं, नीचे वाले हिस्से में एमएम लिखे होते हैं, ठीक है। अगर इससे हम बारीक आए, कम आ जाए, तो एक इंच में जो हमारे थाव होते हैं, ठीक है, थाव वो हजार होते हैं, और जो हमारे एक इंच में एमएम होते हैं वो 25.4 होते हैं, और एक एमएम में हमारे 100 मैक्रो होते हैं, ठीक है, और एक थाव में हमारे 2.5 एमएम होते हैं एक थाव में, मैक्रो 0.025। मतलब ये देखें, ये हम एक थाव लिख देते हैं, ठीक है, 0.001 इंच, ठीक है, ये हो गया एक थाव, ठीक है, और ये हो गया 1 point, ये हो गया एक इंच, ठीक है, और इसमें ये एक इंच में हज़ार थाव होते हैं, और एक थाव ऐसे लिखते हैं, और एक थाव बराबर है 0.025, मतलब 2.5 मैक्रो के बराबर एक थाव है, ठीक है। तो हम ब्रीकी में जो ब्रीक और कम से कम जो रीडिंग में जा सकते हैं वो एमएम में जा सकते हैं। अगर हम इंचज में काम करते हैं तो हम कम से कम एक थौ में जाएंगे, लेकिन एक थौ से भी नीचे अगर एमएम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो है 2.5 मैक्रो, और अगर हम एमएम में जाएंगे तो 1 मैक्रो तक भी हम जा सकते हैं काम, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, आपको एक थाव का, एक सूत्र का पता होना चाहिए, एक सूत्र कैसे लिखते हैं और एक सूत्र की वैल्यू क्या है, फिर आप जो इंचेस के आपका टूल है, फिर आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर करें, ताकि किन दोस्तों को नहीं पता, मैं शॉर्टली से कहता हूँ, उनको पता चल जाएगा कि ये कन्वर्ट हमने कैसे करना है। तो थैंक यू, दुआओं में याद रखें, कैमरा मैन को भी दुआएं दें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।